तेजस्वी यादव ने कर दिया कुछ ऐसा कि नीतीश और मोदी की हवा उड़ जाएगी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव और आरजेडी चुनावी मोड में आ चुकी है। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा चल रही थी और इस क्रम में तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बनाया और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि आरजेडी लगातार तिरहुत प्रमंडल वाले इलाके में कमजोर होती जा रही थी, जिसको देख करके तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर से आभार यात्रा की शुरुआत की और दरभंगा सीतामढ़ी होते हुए मुजफ्फरपुर तक अपनी यात्रा को पूरा किया। इस बीच उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनकी परेशानी जानी और किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है इसके बारे में उन्होंने बात किया। इन मुद्दों पर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आप भी सुनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के लिए आए और कार्यकर्ताओं से फेस टू फेस मिल करके कार्यकर्ताओं से संवाद करने का काम किया। उनका एक ही उद्देश्य था कि जमीनी स्तर पर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से फेस टू फेस मिल करके उनका परिचय जाने और उन्होंने बूथ स्तर पर क्या काम किया है और कैसे हमारी पार्टी चुनावों में हार जाती है और कैसे हम बूथ जीत जाते हैं, इनकी जानकारी लेना और उनकी समस्याओं को जानना, उनकी समस्याओं को समाधान करना। और उन्होंने दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुले सार्वजनिक तौर से उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करने का काम किया, उन संवाद के दौरान उनसे समस्याएं जानने का काम किया। और जो कार्यकर्ता माननीय से अलग रख करके संवाद करना चाहते थे, अपनी बात को रखना चाहते थे, उनके लिए लिखित में व्यवस्था थी कि रिटेन में गुप्त रूप से आप प्रभारी के माध्यम से मुझे दे, उनको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से ये काम करने का काम किया है, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, काफ़ी ऊर्जा भन्वित है। चूँकि दूसरे पार्टी के नेता से मिलने के लिए पटना दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन नेता ने स्वयं आकर के दर्शन करने का काम किया और संवाद करने का काम किया। इससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है, क्योंकि उनकी बात को सुनने का काम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। धन्यवाद। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।